बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत आफियत से होंगे, खुशो आबाद होंगे। आज की वीडियो में आपको लेटेस्ट नेकलाइन डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, जो कि आजकल ट्रेंड में हैं। गले के डिज़ाइन किस तरीके के बनाए जा रहे हैं, किन किन चीज़ों से आप गले के डिज़ाइन रेडी कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़, आप लैसेस की मदद से अपने नेकलाइन को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन कर सकती हैं। फ्रिल लगाई गई है, लैसेस का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर सेंसिबल तरीके से किया जाए तो आपका नेकलाइन जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट लुक दे रहा होगा। कोशिश करिए ऐसे नेकलाइन डिज़ाइन करें जो पहले कम डिज़ाइन हों, ताकि आपके ड्रेस की खूबसूरती अलग से हो। ये आप देख सकते हैं, कट वर्क किया गया है, शटल की लैस का इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम नेकलाइन बिल्कुल आजकल फैशन के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं। गोटी की लैस का इस्तेमाल किया गया है। प्लेट्स आप डाल सकती हैं नेक लाइन पे, अगर आपका सूट थोड़ा सिंपल है, उसकी जो पेटी है वो थोड़ी सिंपल है, तो आप वहाँ पे बटन्स का इस्तेमाल, पट्टी वाला गला बना सकती हैं। यहाँ पे आप सीडी लैस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बटन्स को अगर आप खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो पहले लूप्स बनाएं डोरी की और फिर बटन लगाएं, क्योंकि वो और ही नफासत के साथ लगे हुए नज़र आते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स की लूप्स बनाई हुई आपको नज़र आ रही होंगी। आप देख सकते हैं, टोटल लूप्स का बनाया गया है नेक लाइन। अनरखा स्टाइल दिया गया है बहुत ही प्रोमिनेंट सी लैस के साथ। ये आप वी स्टाइल में बना सकती हैं, बटन ये खुल भी जाता है, जो ये वाला नेक लाइन आपको दिखाया जा रहा है। जैकेट स्टाइल में आप देख सकते हैं नेक लाइन, ये आप देख सकते हैं धागे की मदद से टसल्स लगाकर नेक लाइन को रेडी किया गया। ये तमाम नेक लाइन मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट शामिल करने की कोशिश करूँ। गोटी पट्टी का आजकल लैस का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, गर्ल्स को अच्छी लग रही है आजकल गोटा की लैस जो है वो यूज़ करती है अपने ड्रेसेस में। आप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच सके। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।